क्या आपको पीरियड्स आने जैसा लग रहा है कि मानो अभी ही पीरियड्स शुरू हो जाएंगे और सभी लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके केस में आपकी पीरियड्स की डेट मिस हो चुकी हो या होने वाली हो या दिन ऊपर हो चुके हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई हो और उसके बाद वो स्टॉप हो गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको वाई डिस्चार्ज हो रहा हो या फिर वो भी स्टॉप हो चुका है। सब कुछ हो रहा है, बस पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि रिलैक्स हो जाओ। फिर आप बोलोगे कि सर ये कोई बात होती है कहने की, इतनी प्रॉब्लम है और आप बोल रहे हो कि रिलैक्स हो जाओ। हाँ बोल रहा हूँ रिलैक्स हो जाओ, क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने से पीरियड्स और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। बल्कि ये जो प्रॉब्लम है ये सभी फीमेल्स और लड़कियों को कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करनी ही पड़ती है। तो आप अकेले थोड़ी ना हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम हुई है। इस टाइम तो आपको इस प्रॉब्लम के होने का पता करना है और उसका सल्यूशन जानना है ताकि आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। तो यहां पर सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है कि जब किसी लड़की या महिला को पीरियड्स आने जैसा फील होता है लेकिन वो आते नहीं हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं, जिसे हम लोग मेडिकली PMS यानी कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जानते हैं क्या होता है? इसमें आपको टांगों में दर्द होता है, थाई पेन होता है, पेडू में दर्द होता है, ब्रेस्ट पेन होता है, सिर में दर्द होता है, खासतौर पर नींद नहीं आती है, कभी कभी तो उल्टी जी कच्चा भी होता है। तो क्या समझे यहाँ पर कि ये तो सर प्रेगनेंसी के लक्षण है? हाँ हैं, लेकिन ये पीरियड आने से पहले भी होता है। तो रिलैक्स रहो, वेट करो, आपको पीरियड्स आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर चुके होंगे डेफिनेटली, और उनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो भी नेगेटिव आ रहा होगा। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और जो लोग परेशान होते हैं इस टाइम पर पीरियड्स को लेकर, वो एक ऐसी गलती कर देते हैं यहाँ पर जिनसे उनके पीरियड्स और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। जानते हैं वो गलती क्या है? घरेलू उपाय करना, गर्म चीज़ें खाना, काढ़ा बनाकर पीना, या कोई ऐसी चीज़ खाना या पीना जिसे शरीर में हीट कॉज होती है, हीट उत्पन्न होती है। तो आपको इन चीज़ों को इमीडिएटली स्टॉप कर देना है अगर आप खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे हॉर्मोन से इम्बैलेंस हो जाती हैं, शरीर में हीट कॉज होती है और जो पीरियड्स आपको जल्दी आने चाहिए थे वो और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो आपको कोई भी हीट कॉजिंग चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि अदरक हो गया, गुड़ हो गया, सौंठ हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, या कोई जड़ी बूटी है, कोई गरम मसाले हैं, या कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई है जो कि आप पीरियड्स को लाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, या फिर जंक फूड हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे शरीर में एसिडिटी कॉज होती है, ऐसी चीज़ें आपको इमीडिएटली बंद कर देनी है, स्टॉप कर दो उनको, वरना आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। या आपको ऐसा भी हो सकता है कि एक बार तो पीरियड्स आ जाएं, वो भी या तो कम फ्लो के साथ आएंगे या ज़्यादा फ्लो के साथ आएंगे, लेकिन अगला जो पीरियड है वो आपको नहीं आएगा, आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि ज़्यादातर केसेस में मैं देखता हूँ हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस की वजह से होती है। फिर जब आप इस प्रॉब्लम को लेकर कि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं किसी डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो आपको कम से कम 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें आपको लगातार दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको नेचुरली पेशेंस के साथ अपने पीरियड्स का वेट करना है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि घर पर घरेलू उपाय कर चुके होंगे, तो ऐसे में उनके पीरियड्स नहीं आ रहे होंगे, और जब पीरियड्स नहीं आते हैं ना तो ये कॉमन सेंस बात है कि टेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर लोग क्या करते हैं, या तो प्रेगनेंसी ख़त्म करने वाली दवाइयाँ खा लेते हैं या फिर पीरियड्स को लाने वाली दवाइयाँ खा लेते हैं। तब भी ऐसा लगता है कि पीरियड्स अब आए, लेकिन वो आते नहीं हैं, जिसके होने के अपने ही कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मान के चलो कि आपने प्रेगनेंसी खत्म करने वाली दवाइयों का उपयोग किया जिसमें 5 गोलियां होती हैं, जैसे कि ये अनवांटेड किट। तो मान के चलो कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट ही नेगेटिव है, आपको प्रेगनेंसी ही नहीं है और आप प्रेगनेंसी खत्म करने वाली दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। हालांकि आपको लगता रहेगा कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये तभी काम करती हैं जब आपको प्रेगनेंसी होती है।
दूसरी कंडीशन तब हो सकती है जब आपको एक्चुअल में प्रेगनेंसी है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है और आप इन दवाइयों को खा लेते हैं। तो ज़्यादातर केस में मैं ये देखता हूँ कि इन गोलियों में 5 गोलियाँ होती हैं। पहली गोली को खाने के बाद ही लोगों को ये एक्सपेक्टेशन रहती है, ये उम्मीद रहती है कि उनको पहली गोली से ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन पहली गोली से ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है। हालांकि आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकती है, वो स्टॉप हो जाएगी या होती रहेगी, लेकिन आपको एक्चुअल में जो ब्लीडिंग है वो लास्ट की 4 गोलियां खाने के बाद स्टार्ट होती हैं। ये ब्लीडिंग आपको लगभग 30 मिनट से लेकर 4 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी ने बर्थ कंट्रोल पिल का यूज़ किया था या पीरियड्स लाने वाली दवाइयों का उपयोग किया था, तब इन दवाइयों को लेते समय भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि पीरियड्स अब आए, लेकिन वो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका कोर्स लेते टाइम, इन दवाइयों को लेते टाइम आपको ये फीलिंग आना एकदम नॉर्मल है। अब जो पीरियड्स हैं आपको तब आएंगे जब आप इन दवाइयों का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको जो पीरियड्स हैं वो लगभग 1 से 10 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि अगर आपने कोई गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया है, सबसे ज़्यादा फेमस तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इस केस में, जैसे कि आपने अनवांटेड 72 या आई पिल का यूज़ किया, या अपनी मर्जी से पीरियड्स लाने वाली दवाइयों का उपयोग किया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बीमार हुए हों, आपने कोई एंटीबायोटिक लिया हो या कोई दर्द कम करने वाली दवाइयों का उपयोग किया, बुखार वाली दवाई या जुखाम की या खांसी की दवाई का उपयोग किया, तो इन दवाइयों को लेने से भी आपके पीरियड्स लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं और आपको लगता रहेगा कि पीरियड्स आ जाएंगे लेकिन वो आते नहीं हैं। इसके अलावा भी कुछ नॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, टेंशन ले लेते हो, घर पर किसी बात को लेकर तनाव है, या एग्ज़ाम के टाइम मान के चलो कि आपको जब टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, या आपने ट्रैवल किया हो, या क्लाइमेट चेंज हुआ हो, या आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज कर ली हो, या आपका वेट लॉस हुआ हो या गेन हुआ हो, तो भी जो पीरियड्स हैं वो लेट हो जाते हैं। आपको सभी लक्षण शो होंगे कि आपको पीरियड्स अब आए लेकिन वो आएंगे नहीं। तो हेलो जी, क्या समझे यहाँ पर? यही कि आप एक इंसान हैं, आप कोई मशीन थोड़ी ना हो कि आपको एकदम फिक्स टाइम पर ही पीरियड्स आएंगे, वो लेट भी हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि किसी भी लड़की या महिला को उनके जो पीरियड्स हैं वो 3 दिनों से लेके 7 दिनों तक लेट हो सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका प्रीवियसली फिजिकल रिलेशन हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और आपको आपके शरीर में प्रेगनेंसी का एक भी लक्षण शो नहीं हो रहा है, या फिर आपको पीरियड्स आने जैसा फील हो रहा है कि पीरियड्स अभी आ जाएंगे और सभी लक्षण शो हो रही हैं, जैसे कि वाई डिस्चार्ज होना, पेड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ब्रेस्ट पेन होना, उल्टी जी कच्चा महसूस होना, कमजोरी फील होना, तो आपको एक UPT यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करके देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लक्षण हैं ये प्रेगनेंसी के भी लक्षण होते हैं और कुछ महिलाओं को तो ये लक्षण शो भी नहीं होते हैं, तो आपको एक प्रेगनेंसी की जांच करना जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें शो होती हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव है। अब जिन लोगों को प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखनी है उनके लिए तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ होने वाली है। अब ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से तो एक बार मिलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के जो 9 महीने हैं उसमें ज़रूरी दवाइयाँ लेनी होती हैं। यहाँ पर एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि पहले जो 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के, इसमें कुछ महिलाओं को ऐसा फील हो सकता है कि उनको पीरियड्स आ जाएंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा फील होना एकदम नॉर्मल है, आपको पीरियड्स या ब्लीडिंग शुरू नहीं होगी। ये प्रॉब्लम उन फीमेल्स के साथ ज़्यादा देखी जाती है जिनको पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव होती है। दूसरी कंडीशन उन लोगों के लिए है जिनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और उनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखनी है। इसके लिए या तो आप एंड स्क्रीन की वीडियो को देख लेना, ये वाली वीडियो, या फिर आप अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करना कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखनी है। अब बात आती है उन लोगों की जिनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है या जिनका फिजिकल रिलेशन ही नहीं हुआ है। वो तो ये सोच रहे होंगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, हम लोगों ने तो ये सब किया ही नहीं है, हमने तो पीरियड्स का वेट भी कर लिया है, 3 से 7 दिन हो चुके हैं और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पीरियड्स ना आने का कारण तो बता दो। तो देखिए,
आपके केस में भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन हॉर्मोनल इश्यूज की हो सकती है, जैसे कि पीसीओडी होना, पीसीओएस होना, ओवरियन सिस्ट होना, फोलिकुलर सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, थायराइड की दिक्कत, प्रोलैक्टिन हॉर्मोन की दिक्कत। डरो मत, इसका सलूशन भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन तब हो सकती है जब आपने अपनी मर्जी से पीरियड्स लाने वाली दवाइयों का उपयोग किया हो या कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ किया हो। इनका यूज़ करने के बाद एक बार तो पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन जो अगला पीरियड साइकिल है वो लेट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी घबराना ना, क्योंकि जो आपको पीरियड्स हैं वो 4 से 6 वीक्स का टाइम लेता है, पीरियड्स आ जाते हैं। तीसरी कंडीशन तब होती है जब आपको खून की कमी हो, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो। अब इसको ठीक करने के लिए या तो आप ताकत बढ़ाने वाली चीज़ों का उपयोग करो या फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो मेडिसिन फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आपकी रूट कॉज का पता लग जाए कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, एक बार प्रॉब्लम का पता लगा तो ट्रीटमेंट तो चुटकियाँ बजाकर हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको हॉर्मोनल इश्यूज हैं तो सिर्फ एक दवाई का उपयोग करके आप अपने पीरियड्स को वापस ला सकती हैं। टैबलेट का नाम है प्राइमलूट एन, जिसको आपको दिन में 2 बार लेना होता है खाना खाने के बाद पानी के साथ। 5 दिन तक इसको लेना होता है। जैसे ही आप इस टैबलेट का कोर्स पूरा करेंगी आपको जो पीरियड्स हैं वो 1 से 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस टैबलेट के बारे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को समझ सकते हो। इस वीडियो में सब कुछ बताया है कि इस टैबलेट का यूज़ कब और कैसे किया जाता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। ओके देन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।